पनीर का पुलाव बना रहे हैं आप लोगों को दिखाएंगे हम। पनीर मटर सब डाल के हम लोग पुलाव बना रहे हैं। पनीर का पुलाव आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए हम लोग बना रहे हैं, ये पनीर है, हम लोग अपने घर में बनाया पनीर। ये पनीर है, मटर है, इसको हम लोग भून लेते हैं। प्याज डाल दिए हैं हम लोग, थोड़ा पनीर को बहुत बड़ा बड़ा पीस कर दिए हम लोग घर में बनाए हैं। हम लोग घर में दूध आता है उसको अपने से पनीर बनाए हैं। हम लोग पनीर को अच्छी तरह भूनने दे रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मिर्चा भी डाल दिए हैं, पकेगा इसीलिए। हम लोग सवेरे का चावल बचा हुआ था, दोपहर का चावल हम लोग बचा हुआ था, वही चावल को हम लोग पुलाव बनाएंगे। देख सकते हैं चावल थोड़ा सा बचा हुआ था। अब पनीर का पुलाव हम बनाएंगे। मटर छील के डाल दिए हैं, मिर्चा डाल दिए हैं, प्याज को भूनने दिए हैं और पनीर डाल दिए हैं। पनीर अपना घर में भी बनाए हैं। हम लोग अच्छे से भून रहे हैं। थोड़ा तेज कर दे रहे हैं, जल्दी से भुनेगा। थोड़ा तेज कर दिए हम लोग, ज़्यादा तेज भी नहीं करना, चिपकना जलने लगता है। थोड़ा सा हम लोग कर दिए तेज, आप लोग को थोड़ा भून जाएगा, उसके बाद हम लोग डालेंगे चावल इसमें। देखिए हम लोग पनीर की सब्जी पूरा भून गया है, पनीर का पुलाव बना रहे हैं। पनीर का पुलाव बना रहे हैं हम लोग। इसको बंद कर दीजिए, इसी में चावल डाल दो ना। नहीं निकाल देते, आप ही तो बोले निकाल देते। हम लोग पनीर को निकाल भून गया है, तो हम लोग निकाल दिए हैं। इसको निकालने के बाद हम लोग चावल को भूनेंगे। अब भूनने के बाद थोड़ा सा जीरा भी डाल दिए, दोबारा हम लोग जीरा थोड़ा डाल देंगे तो आप टेस्ट आएगा जीरा वाला। मटर और पनीर है इसमें, और ये पनीर ना घर का बना हुआ है, क्योंकि ना हम ना सुबह में 1 लीटर दूध मेरा था जो कि एक्स्ट्रा हो गया था, और फिर आज का दूध मतलब कल का दूध भी था तो थोड़ा ज़्यादा ही दूध हो गया था, तो हम ना घर पे ही पनीर को बना दिए। अब हम क्या करें इतना सारा दूध का, हम क्या करें, बेबी भी आजकल दूध नहीं पीती है, वो खाना खाती है, दिन भर खाना खाती रहती है, इसलिए हम दूध कहीं ना 1 लीटर दूध एक्स्ट्रा था तो उसका हम थोड़ा सा पनीर बना दिए। और ये जो सारा पनीर है, ये जितना पनीर है इसका भी हम लोग इसमें थोड़ा सा अभी गैस ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और चावल को फ्राई कर लेंगे, और ये जो पनीर और मटर और इसका मिक्स कर देंगे और हम लोग यम्मी टेस्टी पुलाव का मज़ा उठाएंगे। तेल थोड़ा सा, पर ज़्यादा तेल नहीं खाते, थोड़ा ही सा तेल में भून लेते तो अच्छा ही रहता, हल्का सा तेल लेते हैं, ज़्यादा में पानी होगा तेल में तो बहुत जोर से, थोड़ा दूर चाहिए। देखो हम लोग थोड़ा जीरा डाल दिए हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिए हम लोग। अच्छा से हम लोग भूनने दे रहे हैं। हाँ हल्का सा जीरा भून जाए उसके बाद इसमें हम लोग चावल डाल देते हैं। अरे कोई चीज से डाल दे, जरा हटिए तो जरा सा जीरा को अच्छे से थोड़ा सा भूनने दीजिए, थोड़ा कलर चेंज होने दीजिए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना जीरा चावल। देखिए हम इतना सा राइस डाल देते हैं,
सब्जी बना ली, पानी कपड़े से पकड़ लीजिए, सावधानी पूर्वक काम करिए नहीं तो कढ़ाई गिर जाएगा, सारा काम बिगड़ सकता है। इसको अच्छे से मिक्स करिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नमक दे दें, क्योंकि हम लोगों ने नमक तो दिया ही नहीं था, क्योंकि चावल के अंदाज से नमक देते हैं ना, इसलिए नमक हम लास्ट में देते हैं, क्योंकि इससे पनीर में भी उसमें मिक्स हो जाएगा, सब में लग जाएगा। अच्छे से चावल को गरम कर लेंगे, जरा पकड़िए इसको। देखिए हम लोग थोड़ा नमक डाल दे रहे हैं, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मतलब स्वाद के अनुसार नमक देते हैं। देखिए थोड़ा सा नमक, हाँ हो गया। चावल को पूरा भून गया है, चावल को थोड़ा सा भून लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। इसके बाद इसमें हम लोग, पर हम लोग इसके पहले ना हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर चुके थे, हम लोग इसका और ये सब्जी खाए थे इसके पहले, और अभी हम लोग चावल खा रहे हैं। और मैंने रोटी और सब्जी भी बनाया था थोड़ा सा, तो वो भी है खाने में। और ये तो कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो मैंने रोटी और सब्जी भी बनाया हुआ है, ठीक है। और देखिए ये जो पनीर है इसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला है, मतलब मेरे हस्बैंड ने आपको तो एक्चुअली आपको बता चुके होंगे। देखिए इसमें मटर है, प्याज है, मिर्च है, और मैंने थोड़ा सा काजू भी दिया है। देखिए यहाँ पे, और ये पुलाव का हम लोग, पनीर वाले पुलाव का हम लोग आनंद उठाएंगे, प्लेट में सर्व करेंगे। चलिए प्लेट में निकालिए। ये हमारा वेजिटेरियन पुलाव है। अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में, और आज का डिनर हमारा यहीं पे। और आज आप लोग के साथ क्या बोले, आप लोग हमारा हमारे साथ इसी तरह बने रहे, और हम लोग भी आपको न्यू न्यू खाना, न्यू न्यू कंटेंट, न्यू न्यू रेसिपी, और हमेशा आपको मतलब इंटरेस्ट ही आएगा, एंजॉयमेंट ही आएगा। हम लोग कुछ न्यू करेंगे। ये हमारा मटर और पनीर का पुलाव है। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।